जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो के निवा में एक झील के किनारे किसी जापानी ने देखा कि एक मुर्गाबी के जिस्म में एक छोटा सा तीर पेवस्त है। वो तीर गालिबन किसी बच्चे के खिलौने का हिस्सा था और किसी बच्चे ने ही नादानी में वो तीर चलाकर मुर्गाबी का शिकार करना चाहा, लेकिन तीर छोटा होने की वजह से मुर्गाबी को मार तो ना सका लेकिन इसके जिस्म में पेवस्त जरूर हो गया। जापानी शहरी ने जख्मी मुर्गाबी को देखा तो उसने रेस्क्यू वाले अमले को फोन कर दिया। देखते ही देखते रेस्क्यू का अमला गाड़ियों समेत वहां पहुंच गया, लेकिन जब मुर्गाबी को पकड़ना चाहा कि इसके जिस्म में पेवस्त तीर निकाल दिया जाए तो मुर्गाबी उड़ान भरकर झील के दूसरे किनारे पर चली गई। ये सूरत हाल देख कर रेस्क्यू के अमले ने अपने हेडक्वार्टर से मजीद मदद मांगी और देखते ही देखते रेस्क्यू का हेलीकॉप्टर वहां अपने अमले समेत पहुंच गया और ये बात जापानी मीडिया तक भी पहुंच गई। रेस्क्यू अमला इस मुर्गाबी को इलाज की गर्ज से पकड़ना चाहता था और मीडिया के लोग मुल्क भर के अवाम को लाइव कवरेज के जरिए आगाह कर रहे थे। हर कोई इस बेजबान परिंदे की तकलीफ के हवाले से परेशान था और इन्हें ये फिक्र लाहक थी कि कहीं ये मुर्गाबी इस छोटे तीर की वजह से मर ना जाए। कई घंटों की तकोदो के बाद मुर्गाबी को पकड़कर इसे वेटरनरी अस्पताल ले जाया गया जहां इसका इलाज किया गया। खुदा खुदा करके मुर्गाबी का तीर निकाल कर इसके जख्म का इलाज करने के बाद इसे एक अवामी हजूम के सामने फिजा में उड़ा दिया गया। लोगों ने तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया और यूं एक बेजबान परिंदे की जान बच गई। शायद वो परिंदा कहीं जाकर जापान के लोगों के लिए स्टेटमेंट तो ना दे सके, शायद जापान की हुकूमत और वहां के रेस्क्यू के अदारे के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना कर सके, लेकिन इस परिंदे के जरिए इनके अपने ही मुल्क के लोगों को ये पैगाम जरूर मिल गया कि इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी अल्लाह की मखलूक हैं और इनको भी दुख और तकलीफ से बचाना चाहिए। 28 नवंबर को कराची में स्टेट लाइफ बिल्डिंग से एक नौजवान के जान बहक होने की खबरें सबने देखी और पढ़ी होंगी। 23 साल ये नौजवान, जिसका नाम अवैस बेग बताया जाता है, एक मरीज बाप का बेटा था जिसने ना सिर्फ बीकॉम कर रखा था बल्कि बीकॉम के इम्तिहानात में पहली 10 पोजीशंस हासिल करने वाले स्टूडेंट्स में इसका नाम भी शामिल था। ये नौजवान एमबीए करना चाहता था लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मेहनत करके अपने अखराजात और घर वालों की मदद भी करना चाहता था। अवैस बेग 5 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पे था। इसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और अवैस बेग अपने वालदैन का बोझ बांटना चाहता था। वो स्टेट लाइफ बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर KESC के दफ्तर में इंटरव्यू के लिए गया था। वो शॉर्टलिस्ट हो चुका था और इसका फाइनल इंटरव्यू होना था। इसके साथ इसके दो दूसरे दोस्त भी थे कि अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से बड़ी इमारत के निचले फ्लोर पर आग लग गई। आग के शोर और इस दौरान बिजली की मौतली ने माहौल को खतरनाक सूरत हाल से दो चार कर दिया। अवैस बेग ने घबरा कर अपने दोस्तों को आवाज दी लेकिन कोई जवाब ना आने पर वो अपने औसान बहाल ना रख सका। शायद इसके जेन में बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में लगने वाली आग और उससे होने वाली हलाकतों के वाकये ने मजीद खौफ पैदा कर दिया था। अवैस बेग ने खिड़की के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश की। चूंकि 8वीं मंजिल से खिड़की के रास्ते निकलने के इम्कान ना होने के बराबर थे, घबराहट में अवैस बेग इस खिड़की से लटक गया। बिल्डिंग के नीचे लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। गुजरती ट्रैफिक में भी लोग इसी नौजवान को यूं जिंदगी और मौत के दरमियान लटकता देखते रहे। मीडिया के लोग भी अपने कैमरा लेकर पहुंच गए और शायद सब ही इस लड़के के गिरने का इंतजार करने लगे। बिल्डिंग में आग थी, लोग इसकी मदद को भी ना पहुंच सके और जैसे कि हमारे बारे में लतीफा मशहूर है कि यहाँ पिज्जा और फास्ट फूड 10 से 15 मिनट में होम डिलीवरी के जरिए घर पहुंच जाता है, लेकिन पुलिस, डॉक्टर या फायर ब्रिगेड घंटों में आती है।